वॉशिंग मशीन का पीसीबी है और ये एक सैम्पल वीडियो है आपके लिए, जिसमें कि आप ये जानोगे कि हाँ वीडियो किस टाइप की होगी, क्या आप उसमें अच्छे से समझ पाओगे या नहीं। तो मैं कुछ ऐसी नॉर्मल बातें आपको इसमें बताता हूँ। ये वॉशिंग मशीन का पीसीबी है, चार सेक्शन होते हैं इसमें, चार में पहला होता है पावर सप्लाई। ये जो आप तीन पिन की कनेक्टर देख रहे हो, एक पिन ये है, दो ये नहीं, जहां भी आपको ये तीन पिन के कनेक्टर, साथ में एक ये वाला ब्लू कलर का VDR, एक ट्रांसफार्मर और एक ये रेगुलेटर दिखाई दे रहा है, थ्री पिन रेगुलेटर 5 वोल्ट बनाने के लिए। ये इतना जो सेक्शन है रेगुलेटर तक, कनेक्टर से रेगुलेटर तक, ये आपका सेक्शन पावर सप्लाई है। और दूसरा सेक्शन होता है इसमें मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में ये माइक्रो कंट्रोलर, 8 पिन इप्रोम आईसी, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये आपका मदरबोर्ड सेक्शन होता है। और तीसरा सेक्शन होता है आपका ये डिस्प्ले, जिसमें माइक्रो स्विच लगे होते हैं और इंडिकेटर लगे होते हैं और ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये आपका डिस्प्ले सेक्शन होता है। ये मैग्नेटिक डोर है जो ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाता है क्लोज करने पर, ये डिस्प्ले सेक्शन। और फाइनली होता है चौथा सेक्शन, ये है आपका मोटर ड्राइवर, जिस सेक्शन में ये आपको ट्रैक लगे हुए दिखाई दें, ट्रीएक, ये छोटे ट्रीएक लगे हुए हैं, ये बिग साइज लगे हुए हैं ट्रीएक, ये आपका मोटर ड्राइवर सेक्शन होता है। तो पहचान ऐसी होती है, जिस सेक्शन में ट्रांसफार्मर, VDR, रेगुलेटर, वो सप्लाई सेक्शन, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर, इप्रोम आईसी और क्रिस्टल ऑसिलेटर, वो आपका मदरबोर्ड, जिस सेक्शन में माइक्रो स्विच, इंडिकेटर, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक डोर, ये आपका डिस्प्ले सेक्शन होता है। और जिस सेक्शन में आपको ये ट्रैक लगे हुए दिखाई दें, और ट्रैक के साथ में ही आपको सेक्शन के बीच में ये कनेक्टर दिख रही है, ये कनेक्टर, ये 5 पिन की कनेक्टर, ये फैन मोटर, ये आपके वॉशिंग मशीन की मोटरें हैं, जिनमें वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मोटर की हो, वॉशिंग मोटर का कनेक्टर है, इनलेट का है कनेक्टर, हॉट एंड कोल्ड का और ड्रेन का कनेक्टर है, यहाँ पे आपकी मोटरें कनेक्ट होंगी, यहाँ पावर केबल लगेगी, एक कनेक्टर यहाँ पर है, यहाँ पर आपका प्रेशर स्विच या एयर स्विच बोलते हैं, एयर सेंसर भी बोलते हैं, आपके वाटर लेवल को चेक कर सेंस करने के लिए, तो इतने कनेक्शन इसमें लगेंगे। काम क्या होता है, ये जो पावर सप्लाई आप देख रहे हो, किसी भी वॉशिंग मशीन की जो पावर सप्लाई है, वो आपको यहाँ पावर केबल लगाने पर, आप तो इसको यहाँ पर एसी करंट दोगे 220 वोल्ट मिनिमम, तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस एसी वोल्टेज को ये कन्वर्ट कर देगा 12 वोल्ट में, वो 12 वोल्ट यहाँ बनेगी फिल्टर पे, ये वाले पे, और उस 12 वोल्ट को से फिर ये एक रेगुलेटर और लगा हुआ है इसमें, एक 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर बनाएगा और ये रेगुलेटर बनाएगा 5 वोल्ट। तो दो सप्लाइयां कंपलसरी है किसी भी वॉशिंग मशीन में, कोई भी टाइप की सप्लाई लगी हुई हो, दो ही टाइप की सप्लाई आएगी, ट्रांसफार्मर होगी, SMPS होगी, बाय चांस कभी रेयर केस में बक सप्लाई हो सकती है, उन तीनों में से कोई भी टाइप की सप्लाई हो, सप्लाई आपको फाइनल आउटपुट 12 वोल्ट एंड 5 वोल्ट ही जनरेट करके देगी। तो ये सप्लाई का काम होता है एसी को डीसी भी करना और उसको रिक्वायर वोल्टेज में कन्वर्ट करना। मदरबोर्ड, इसका काम होता है डिस्प्ले के लिए सिग्नल बनाना, और इस मदरबोर्ड में माइक्रो कंट्रोलर का काम है, यहां जो आप मोटरें लगेंगी वॉशिंग मशीन की, उनको ऑपरेट करना टाइम टू टाइम, किस मोटर को कब ऑन रखना है कब ऑफ रखना है, ये माइक्रो कंट्रोलर डिसाइड करेगी, वही यहाँ पर कमांड भेजकर इनको ऑपरेट करेगी। फाइनली ये डिस्प्ले सेक्शन होता है, उसके बाद ये एक डिस्प्ले सेक्शन होता है थर्ड, जिसका आपको पता ही है, इससे फंक्शन ऑपरेट किए जाते हैं और मशीन को ऑपरेट किया जाता है इससे। और चौथा होता है फाइनली मोटर ड्राइवर, जिसमें ये ट्रैक लगे हुए होते हैं 3 पिन के, छोटे साइज या बड़े साइज के कोई भी हो, इनका काम है यहाँ लगने वाली मोटर को रन करना।
तो ये होते हैं चार सेक्शन, उनके नाम और उनके काम किसी भी वॉशिंग मशीन में। और कभी भी आप जब वॉशिंग मशीन का पीसीबी रखोगे तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि उसमें पावर केबल लगानी आनी चाहिए हमको। पावर केबल लगाने के लिए एक ही तरीका होता है किसी भी वॉशिंग मशीन में, ये रही मेरे पास पावर केबल, और ये लगाने के लिए सप्लाई में ही ऐसी तीन पिन की कनेक्टर होगी। ये तीन पिन की क्या है, इन तीन में से एक न्यूट्रल आउट है जो मोटरों को जाएगा, और एक न्यूट्रल इन है और एक लाइन इन है, मतलब दो पॉइंट को एसी देना है और एक पॉइंट से न्यूट्रल बाहर निकलेगा मोटर के लिए। न्यूट्रल किससे बाहर निकलेगा मोटर के लिए ये अभी मुझे नहीं पता, हमें इसमें देखना होगा कि इसमें पावर कहाँ देनी है। तो पावर देने के लिए आप मीटर का इस्तेमाल करो, मीटर को बजर मोड पे सेट करो, साउंड वाला सिंबल, डायोड और साइन, डायोड वाला सिंबल और ये साउंड सिंबल जो होता है ये बजर मोड होता है या कंटिन्यूटी बोलते हैं इसको, इस मोड पे आप सेलेक्ट करो। और आप ये जो कनेक्टर लगी है ना, इसी के पास एक वीडीआर लगा हुआ होगा, ऑलवेज होगा ये लगा। अब आप इन तीनों को इस वीडीआर से बीप करा के देखें कि इसके दोनों पॉइंट से कौन सी पिनें बीप कर रही हैं। एक ये बीप कर रही है इस वाले पॉइंट से, शायद आप सुन पा रहे हो बीप साउंड। तो एक पॉइंट यहां लगेगा पावर केबल का और दूसरा कहां लगेगा, आप दूसरे पिन से बीप करा के देखते हैं। एक यहां लगेगा तो पावर केबल यहां लगेगी। तीन में से जो दो पॉइंट वीडीआर के पिनों से बीप करेंगे वहां पावर केबल लगेगी। तो ये तीसरा वाला पॉइंट कौन सा है, ये तीसरा पॉइंट आपका न्यूट्रल आउट है, ये मोटरों पे जाएगा। दरअसल वॉशिंग मशीन में लगने वाली जो मोटर है नॉर्मली वो एसी पे ऑपरेट होती है फेस और न्यूट्रल से। न्यूट्रल यहां से जाएगा इस रिले के थ्रू, स्विच होके रिले से, जब ये रिले ऑन होगी तब न्यूट्रल पास होगा यहाँ और मोटर पे पहुंचेगा, और मोटर को फेस जो है ये ट्रैक यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे कनेक्टरों पे। ये ट्रैक जो लगे हुए हैं ये फेस प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये मोटर पे फेस जाएगा यहाँ से, तब मोटर रन करेगी। फिलहाल पावर केबल लगाते ही हम पीसीबी ऑन कर सकते हैं। पावर मैंने केबल लगा दी, तो आपने देखा यहाँ पे पीसीबी ऑन हो गया है। पर आप देखेंगे पीसीबी ऑन करने के बाद डिस्प्ले को कोई एरर आ रहा हो या ये एलईडी बिलिंग कर रही हो, इसमें तो डिस्प्ले है नहीं, एलईडी बिलिंग कर रही है, इसका मतलब है इसमें कोई एरर है। तो एरर काहे का है, सबसे पहला एरर इसमें प्रेशर सेंसर का है इसका। आप ये जानते ही होंगे क्या होगा, टैंक में जो पानी फुल होता है तो यही माइक्रो कंट्रोलर को बताता है कि पानी फुल हो गया है, तो इसको लगाना होगा। इसको कैसे लगाते हैं, इसकी कनेक्टर मदरबोर्ड में होती है। एयर सेंसर की कनेक्टर कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड में होती है, या तो ये थ्री पिन कनेक्टर होगी जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। यहाँ सप्लाई के बाहर ये भी बजर वाला और ये वाला सेक्शन सब मदर बॉडी है, तो ये तीन पिन है और सेंसर भी थ्री पिन है, तो ये यहाँ ऐसे ही लग जाएगा। मैंने यहाँ ग्रीन लगाई है सेंटर में, ये ग्राउंड होती है सेंसर की, और इस पर ग्रीन ग्रीन लगाई है मैंने, तो ये ग्राउंड यहाँ सेंटर पे ही लगाई जाएगी। अगर थ्री पिन कनेक्टर है तो सेंसर का बीच वाला पॉइंट यानी कि जो ग्राउंड है वो कनेक्टर के बीच वाली पे ही लगेगा, और ये जो साइडों के पॉइंट हैं ये आप कोई कहीं भी लगा दो। अब इसे एक बार और ऑन करेंगे, पहले तो ये एरर आ रहा था इसके अंदर। तो देखा आपने वर्किंग में आ गया, इसका एरर हट गया है। तो इस तरीके से सेंसर लगाया जाता है, लेकिन मैं आप काम जानते हैं और आपके भी मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हमेशा तीन पिन की कनेक्टर नहीं होती,
एयर सेंसर के लिए, कई बार 4-5 पिन की भी होती है, तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए मीटर का इस्तेमाल करें। एक पॉइंट ग्राउंड पर रखें, मीटर को वोल्टेज पे ले जाएं, डीसी वोल्टेज पे। ये डीसी, ये वी मींस वोल्टेज हो गया, और ये तीन डॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब होता है डीसी। तो 20 वोल्ट डीसी पे सेलेक्ट करें, और आप मान लीजिए 3 पिन कनेक्टर नहीं, 5 पिन कनेक्टर है, तो कोई बात नहीं, आप ये देखिए उन 5 पिन की कनेक्टर में से कौन सी पिन जो है ग्राउंड से 2.5 वोल्ट या 4 वोल्ट प्लस शो कर रही है। जो 4 वोल्ट प्लस शो कर रही है दो पिने, या जो 2.5 वोल्ट शो कर रही हैं दो पिने, वो दो पिने हैं प्रेशर सेंसर की। जैसे कि ये देखिए, यहां से ग्राउंड नहीं मिल रही, ग्राउंड यहां बीच में से ले लेते हैं, 2.5 वोल्ट, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सेंसर के हैं। तो अगर इसमें 5 पिन की भी कनेक्टर होती तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आप ये देखें कि उन 5 में से कौन से दो पिने 2.5 वोल्ट शो कर रही हैं, या कौन सी दो पिने 4 प्लस वोल्ट शो कर रही हैं, 4 वोल्ट प्लस, यानी कि 4.1, 4.2 या 4.4 के आसपास की वोल्टेज, वो दो पिने प्रेशर सेंसर की मानी जाएंगी। बाकी पे जो भी वोल्टेज आ रही हो उसे आप इग्नोर कर दें। तो अभी मैंने आपको बताया वॉशिंग मशीन और उसमें 4 सेक्शन, सप्लाई, मदरबोर्ड, डिस्प्ले और ड्राइवर सेक्शन, और इनके मैंने आपको काम बताए चारों सेक्शन के। मैंने आपको बताया कि इसमें पावर कैप्स कैसे लगाते हैं, पावर केबल किसी भी पीसीबी में, प्रेशर सेंसर कैसे लगाते हैं। ये सिर्फ आपके लिए डेमो वीडियो है, ठीक है। एक्चुअल जब आप क्लास करेंगे तो शुरुआत जो है वो कंपोनेंट से होगी, पार्ट्स से। उसमें हम वर्किंग जानेंगे, टेस्टिंग जानेंगे, रीडिंग जानेंगे, और आइडेंटिफाई कैसे करें वो समझेंगे पार्ट्स को। और उसके बाद सबसे पहले हम सीखेंगे पावर सप्लाई, ऐसे डायरेक्टली वॉशिंग मशीन नहीं करेंगे, पहले हम पावर सप्लाई के बारे में जानेंगे ये क्या होता है, डायग्राम के जरिए समझेंगे। थ्योरी आपको हम सेंड करेंगे कंप्यूटराइज्ड पीडीएफ में।